साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पीएम मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पीएम मोदी गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए जीत तोड़ प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर दक्षिणी गुजरात सत्ताधारी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा पूरे जोरों शोरों से लगी हुई है। पीएम मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री भी चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां निकालकर पार्टी को जीत दिलाने के लिए जीतोड़ प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण गुजरात सत्ताधारी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी और आदिवासी समुदाय सरकार की कई परियोजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रही है, जिससे भाजपा के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में परेशानी खड़ी हो सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण के तहत 1 दिसंबर को कुल 89 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें से 35 सीटें दक्षिण गुजरात के जिलों भरूच, नर्मदा, तापी, डांग, सूरत, वलसाड और नवसारी में फैली है, जहां पर पहले चरण की वोटिंग होनी है। गौरतलब है कि 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 35 में से 25 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था, जबकि भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 2 सीटें और कांग्रेस ने 8 सीटें अपने पाले में डाली थी। तो वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व 14 सीटों में से भाजपा ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद डांग और करपारा के चुनाव में भी भाजपा को ही जीत मिली थी। दक्षिण गुजरात में आदिवासी बहुल इलाकों को अब भाजपा की कमजोर कड़ी माना जाता है, पर यहां के शहरी मतदाता 2017 में पार्टी के साथ खड़े रहे थे और 2015 में सूरत में हार्दिक पटेल की अगुवाई में पाटीदार कोटा का आंदोलन हुआ था। यहां के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों ने जीएसटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिनमें व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी। लेकिन इसके बाद भी भाजपा ने सूरत की 16 सीटों में से 15 सीटों पर जीत दर्ज कर सबको गलत साबित कर दिया था और इन 15 सीटों में पाटीदार बहुल बराछा, कमरेज और कतारगाम सीटें शामिल हैं। भाजपा केवल आदिवासी बहुल मांडवी में जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। पिछले स्थानीय निकाय के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सूरत नगर निगम की 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद चुनाव काफी दिलचस्प हो गया था, जब दूसरी पार्टियों के लिए एक चुनौती साबित हुआ, पर कांग्रेस यहां खाता नहीं खोल सकी थी। इस विधानसभा चुनाव में आपने हार्दिक पटेल के करीबी अल्पेश कठारिया को वाराछा सीट से टिकट दिया है। वही पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को, जो कि पाटीदार समुदाय के जाने पहचाने चेहरे हैं, कुकाताराम सीट से टिकट दिया गया है। पार्टी को विश्वास है कि उनके पाटीदार समुदाय का समर्थन हासिल होगा और भाजपा के हाथों में गुजरात की जिन आदिवासी सीटों पर कब्जा है, उनमें डांग, उमरगाम, धर्मपुर, गांधी, महुआ और मंगरोल है। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि गुजरात में किस पार्टी की जीत का परचम लहराएगा। रिपोर्ट प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।